वॉर के बाद रेचल अपने हस्बैंड के पास आती है। जिस घर में वो रह रहे थे उस घर को उसी के ओनर के साथ उन्हें शेयर करना पड़ता है और इसी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई थी। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी जैसी चीज़ें लग रही थी वैसी थी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द आफ्टर मैथ ये 2019 की एक बहुत ही अच्छी ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर रेचल को जर्मनी में आता हुआ देख सकते हैं। ये 1945 का टाइम था। इंग्लैंड ने जर्मनी पर हमला किया था और वो जीत चुके थे। रेचल का हस्बैंड इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। वॉर अब खत्म हो चुकी थी तो उसके हस्बैंड ने उसे जर्मनी में बुला लिया। इनके रहने के लिए जर्मनी के बड़े से हाउस को खाली किया जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत ही अमीर आदमी रहा करता था जिसका नाम था स्टीफन। स्टीफन को अब अपना सामान लेकर डायरेक्टली कैंप्स में रहना पड़ेगा। रेचल जब यहाँ पर पहुंची तो उसका हस्बैंड लुइस उसे लेने के लिए आया हुआ था। अभी अभी जो वॉर खत्म हुए ये इन दोनों के लिए बहुत ही हार्ड थे। अब यहाँ पर वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जब घर पर पहुंचे तो होम ओनर जिसे अब खाली करना पड़ेगा जिसका नाम है स्टीफन, ये इन्हें वेलकम करता है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाउस था। रात में लुइस और रेचल जब एक साथ थे तो वॉर में उन्हें कितनी तकलीफ हुई थी इसके बारे में वो शेयर कर रहे थे। आजकल रेचल ज़रा डिस्टर्ब रहती है तो इस वजह से स्मोकिंग भी करने लग गई थी। अगले दिन जब लुइस अपने जॉब पर गया तो रिवोल्यूशन करने वाले कुछ लड़के वहाँ पर थे जो अभी भी हिटलर को मानते हैं। एक लड़का वहाँ से भागने लग गया तो एक ऑफिसर को उसे शूट करना पड़ता है। मरते मरते भी वो हिटलर का ही नाम लेता है। लुइस को देखकर बुरा लगा क्योंकि ये सिर्फ एक टीनेजर था। घर में रेचल जब घूम रही थी वो स्टीफन की बेटी को भी देखती है जिसका नाम है फ्रेडा। फ्रेडा नाराज थी क्योंकि उसका ही घर है और उसे इस तरीके से निकाला जा रहा है। थोड़ी देर में जब लुइस घर पर आया तो रेचल उसे पूछती है कि प्रीवियस ओनर यहाँ से कब जाएगा। लुइस दिल का बहुत ही अच्छा था। वो कहता है बाहर हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर हमने स्टीफन और उसकी बेटी को इस तरीके से बाहर भेज दिया तो उनके खाने पीने का भी कोई भी ठिकाना नहीं रहेगा। वो कहता है हम उन्हें रहने के लिए ऊपर का फ्लोर दे सकते हैं। रेचल इस पर गुस्सा होगी, वो चाहती थी कि वो दोनों अकेले रह सके। अपनी लाइफ में वो कुछ चेंजेस चाहती थी। लुइस को इस तरीके से स्टीफन को बाहर निकाल देना अच्छा नहीं लगता तो रेचल की बात तो नहीं मानता। रेचल के लिए घर, यहाँ की सारी चीज़ें, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। घर में एक चेयर थी जो रेचल को थोड़ी भी पसंद नहीं आती। इस पर स्टीफन ने कहा कि बहुत ही फेमस चेयर है, सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल। रेचल को ऐसा नहीं लगता। स्टीफन ने कहा इस चेयर के बनाने के पीछे भी फिलोसॉफी है। यहाँ की सारी चीज़ें वो हेट कर रही थी। स्टीफन फिर उसे सारी घर की कीज देकर चला गया। रात में जब रेचल और लुइस डिनर कर रहे थे तो रेचल उसे पूछती है तुम इस तरीके से बिहेव कैसे कर सकते हो जैसे सब कुछ चीज़ें एकदम नॉर्मल है। लुइस कहता है कि तुम्हें इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में जब वॉर चल रहा था तो इनके बेटे की एक बॉम्ब की वजह से डेथ हो गई, इसी वजह से रेचल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। बात लेते वक्त भी वो रो रही थी, इसे लुइस नोटिस करता है। रेचल और उसकी फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे कि स्टीफन अब भी उनके साथ क्यों रहता है। रेचल के फ्रेंड ने उसे कहा कि स्टीफन शायद तुम लोगों को हेट करता होगा, वो दिखाता नहीं पर फिर भी यहाँ के सब लोग हमें हेट करते हैं। रेचल जब घर पर आए तो स्टीफन की बेटी घर का पियानो बजा रही थी। स्टीफन उसे ऊपर भेजता है और सॉरी कहता है। स्टीफन ने रेचल से कहा कि उसकी मदर का था। रेचल पूछती कि उसकी मदर का है। स्टीफन ने कहा कि उसकी वॉर में डेथ हो चुकी है। रेचल को इसके लिए बहुत बुरा लगता है। स्टीफन अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है पर वो भी बहुत ज़्यादा हर्ट है तो इस वजह से उसकी कोई भी बात नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में हम फ्रेडा को काम पर जाता हुआ देखते हैं। वहाँ पर वो एक लड़के से मिली जिसका नाम था अल्बर्ट। अल्बर्ट एक रिवॉल्यूशनरी था और फ्रेडा को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट सीन में रेचल और लुइस के पास उनके फ्रेंड आए हुए थे। फ्रेंड ने कहा कि तुम स्टीफन को अब भी घर में क्यों रहने दे रहे हो, वो शायद तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहा होगा, मे बी वो अब भी हिटलर को मानता है। लुइस कहता है आप इस तरीके से लोगों को जज नहीं कर सकते, मैंने उसकी आंखों में देखा है वो हमें नहीं मारना चाहता। लुइस के फ्रेंड को अभी भी स्टीफन पर शक था तो उसे इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। उसे वो पूछते हैं तुम्हारी फैमिली हिटलर के लिए गन्स वगैरह सप्लाई करने में इन्वॉल्व थी, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो। स्टीफन ने कहा कि वो मेरे फादर इन लॉ का बिजनेस था, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वो उससे वॉर के बारे में पूछते हैं। स्टीफन ने कहा वॉर में मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, ऑफकोर्स मैं उससे हर्ट हूँ। स्टीफन को ज़्यादा बुरा ना लगे तो इसीलिए लुइस यहाँ पर ही इन्वेस्टिगेशन बंद कर देता है। स्टीफन के आइडेंटिटी के वगैरह पेपर्स अब भी गवर्नमेंट के पास थे, अब तक उन्होंने उसे अप्रूव नहीं किया है। इसी के पैरेलल में हम देखते हैं ग्रेटा घर में सारी चीज़ें देख रही थी। इन चीज़ों में रेचल ने लुइस को दिया हुआ एक गिफ्ट था।
इसमें उनकी और उनके बेटे की भी फोटो थी। ये ग्रेटा चुरा लेती है। स्टेफन ऑलरेडी डिस्टर्ब था, पर जब वो घर पर आता है तो रेचल उस पर गुस्सा हो रही थी। उसे पूछती है यहाँ पर की पेंटिंग कहाँ की है, क्या यहाँ पर हिटलर की पेंटिंग थी। स्टीफन उस पर गुस्सा हो गया, कहता है अगर तुम मुझे इतनी हेट करती हो तो यहाँ से निकाल क्यों नहीं देती, अगर तुम्हें रीज़न नहीं मिल रहा तो मैं तुम्हें रीज़न दे देता हूँ। वो रेचल के पास आ गया और उसे किस कर लेता है। गुस्से में ही वहाँ से चला गया। रेचल कुछ भी बोल नहीं पाई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्रेडा और उसका फ्रेंड अल्बर्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लग गए थे। फ्रेडा को बहुत अच्छा लगता था। एक रात रेचल और लुइस के यहाँ उनके फ्रेंड आने वाले थे। रेचल ने बहुत अच्छे से ड्रेस किया था तो लुइस को भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसकी तारीफ करता है, उसके पास आता है, अच्छे से म्यूजिक लगाया हुआ था। ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चाहते थे, पर लुइस को तभी कॉल आ गया। सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ उसे जाना पड़ता है। प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने लुइस पर भी हमला कर दिया, पर वो सिर्फ उन लोगों को हेल्प करना चाहता था। आज रात भी स्टीफन बाहर था, वो सिर्फ वहाँ से गुजर रहा था, फिर भी पुलिस की मार उसे खानी पड़ती है। वो बेचारा हर्ट होकर घर पर आया तो घर पर रेचल और उसके फ्रेंड सब पार्टी कर रहे थे। लुइस का एक फ्रेंड रेचल की वाइफ का पियानो बहुत ही अजीब तरीके से बजा रहा था। स्टीफन को अच्छा नहीं लगता तो उसे उसने स्टॉप करने के लिए कहा, पर ये फ्रेंड मानता नहीं। इन दोनों में फाइट होने वाली थी पर सारे लोगों ने स्टीफन को रोक लिया। स्टीफन के सर पर बड़ी चोट थी तो रेचल ने देखा और उसे मलम पट्टी कर दिया। स्टीफन ने कहा कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। रेचल कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों करीब आ गए थे तो इंटीमेट होने लग जाते हैं। तभी ने लुइस की गाड़ी का आवाज़ आया और इन्होंने अपने आप को रोक लिया। लुइस भी ज़्यादा कुछ शक नहीं करता। अगले दिन बाथरूम में रेचल ने उसे दिया हुआ गिफ्ट वो चेक कर रहा था तो उसे मिल नहीं पाता। उसने फ्रेडा से पूछा, क्या तुमने उठाया था, उसमें मेरे बेटे की फ़ोटो है, क्या तुम मुझे वापस कर सकते हो। पर फ्रेडा उसे इग्नोर कर चली गई। जब लुइस और रेचल एक साथ थे तो रेचल ने उसे कहा, हमारे बेटे की डेथ के बाद तुम्हें 6 दिनों की छुट्टी मिल सकती थी, पर तुमने वो ली नहीं, तुम अपने जॉब के लिए चले गए, ऐसा क्यों, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकते हो। लुइस कहता है कि कंट्री में वॉर चल रही थी, मुझे जाना ज़रूरी था। वो इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता तो यहाँ से चला जाता है। 5-6 दिनों के लिए लुइस को काम पर दूर जाना पड़ता है। एक शाम रेचल बहुत ही अकेली पड़ गई थी, वो पियानो बजाने लग जाती है। ये वही धुन थी जो स्टीफन की वाइफ बजाया करती थी। ये सुनकर फ्रेडा भी उसके पास आ गए, वो भी उसके साथ प्ले करने लग गए। एक नोट बजाते बजाते फ्रेडा ने गलती कर दी तो रेचल कहती है, मेरा बेटा भी कभी भी ये नोट बजा नहीं पाता था। उसे अपने बेटी की बहुत याद आ रही थी तो वैसे वो रोने लग गए। स्टीफन फिर उसके पास आया और उसे सहारा देता है। अगले दिन रेचल ने स्टीफन और फ्रेडा को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया। इवनिंग में ऐसा मूवी देख रहे थे। जब फ्रेडा यहाँ से चली गई, स्टीफन और रेचल अकेले थे तो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ काम करने के लिए कुछ लोग टीनेज लड़कों का फायदा उठा रहे थे। लुइस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसमें हम देख सकते हैं कि अल्बर्ट का भी फोटो है, फ्रेडा का बॉयफ्रेंड। पैरेलल में रेचल और स्टीफन एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे। स्टीफन रेचल से कहता है, तुम मेरे साथ खुश हो, तुम्हारे चेहरे पर स्माइल है, जब से तुम यहाँ पर आई तब से तुमने कभी भी स्माइल नहीं किया था। मैं अब यहाँ से दूर चले जाने वाला हूँ, माउंटेन्स में रहने वाला हूँ, एक अच्छा सा घर बिल्ड करूंगा जहाँ पर तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। रेचल कहती कि अब तक तुम्हें तुम्हारे पेपर्स नहीं मिले हैं। स्टीफन कहता है कि ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडा जब अल्बर्ट के पास आई हुई थी तो उससे वो लुइस के बारे में पूछ लेता है। हमेशा उसे लुइस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जाननी थी। स्टीफन को उसके पेपर जल्द से जल्द मिल जाए इसीलिए रेचल अपने फ्रेंड से हेल्प मांग लेती है। उसके फ्रेंड को भी पता चल गया था कि स्टीफन और रेचल के बीच में अफेयर है। लुइस जब अपने काम से घर पर वापस आया तो बहुत ही खुश था। वो कहता है, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ देने के लिए उसने स्टीफन को भी नीचे बुलाया। उसने कहा कि अब हम दोनों फिर से इंग्लैंड वापस जाने वाले हैं। रेचल भी पहले यही चाहती थी, पर अब स्टीफन की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी। आज रात इन दोनों पार्टी पर जाने वाले थे, इसकी इन्फॉर्मेशन फ्रेडा अल्बर्ट को दे देती है। पार्टी में जाने से पहले रेचल स्टीफन से छुप छुप कर मिली। स्टीफन कहता है कि उसे बता दो। रेचल डर रही थी, पर स्टीफन बता देगा इससे पहले उसे ही बताना था। रेचल और लुइस फिर पार्टी में गए। लुइस का फ्रेंड उसे कहता है, अगर तुम्हें कुछ हेल्प की ज़रूरत थी तो मुझसे डायरेक्टली मांग लेते। स्टीफन के पेपर्स को अप्रूव करने के लिए तुम्हारी वाइफ को भेजने की क्या ज़रूरत थी। इस बात से लुइस को रेचल पर शक आ गया। वो जिस तरीके से बिहेव कर रही थी ये सारी चीज़ों को सोचने लग गया।
उसके पास जाकर उसे कन्फ्रंट करता है। कहता है कि जो भी मैं सोच रहा हूँ ये क्या सब कुछ सच है। रेचल उसे सॉरी कहती है। स्टीफन गुस्सा था तो रेचल ने कहा, हमारे बेटे की डेथ हो जाने के बाद सब कुछ बदल गया था। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, हमारे बेटे की डेथ के लिए तुम मुझे दोषी मानते हो। वो गुस्से में यहाँ से जा रही थी तो लुइस भी उसके साथ आता है। अचानक से अल्बर्ट ने इन पर हमला कर दिया। एक आदमी मारा जाता है और लुइस ने अल्बर्ट का पीछा किया। अल्बर्ट भागते भागते एक स्नो से भरी हुई रिवर तक आ गया था। वो अब आगे जा नहीं सकता था। अल्बर्ट के पीछे पीछे फ्रेडा भी उसका पीछा करते हुए आई हुई थी। अचानक से अल्बर्ट का पैर फिसल कर वो इस नदी में डूब जाता है। फ्रेडा उसे बचाने की कोशिश करती पर वो खुद भी डूब जाती है। इस वजह से लुइस ने उसे बचा लिया। घर पर आने के बाद लुइस रेचल से कहता है, तुम कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहती थी, एक नई लाइफ। ये करने के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता, शायद ये सब मेरी ही गलती है। फ्रेडा रोते रोते स्टीफन के पास आती है। स्टीफन उसके लिए वरीड था। कहता है, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे तुम्हें सब कुछ चीजें बतानी चाहिए, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो कहती है कि मैं मदर को बहुत मिस करती हूँ। स्टीफन ने कहा कि मैं भी करता हूँ, पर हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं रेचल और स्टीफन ये दोनों जाने के लिए रेडी थे। स्टीफन लुइस को कुछ बोलने वाला था पर लुइस कहता है, तो सिर्फ यहाँ से चले जाओ। जाते जाते रेचल लुइस के पास आए। लुइस पूछता है, हमारे बेटे की डेथ कैसे हुई थी। रेचल कहती है, बॉन्सपोर्ट में उसकी इंस्टेंट डेथ हुई थी, उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। लुइस कहता है, मुझे कभी भी तुम्हें छोड़कर जाना नहीं था पर मुझे जाना पड़ा। जब भी मैं तुम्हें देखता था तो हमारे बेटे की मुझे याद आती थी, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा वॉइस, सब कुछ मुझे उसकी याद दिलाता था। ये कहकर लुइस रोने लग गया। रेचल भी उसे हग कर लेती है। इसके बाद वो स्टीफन के साथ चली गई। लुइस ऊपर आता है, अपने बेटे का शर्ट देखकर बहुत रोता है। स्टीफन और लुइस की ट्रेन निकलने वाली थी पर रेचल अपना माइंड चेंज कर लेती है। स्टीफन कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम फिर से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। रेचल कहती कि मैं अब भी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ, पर वो लुइस के साथ, वो उसे इस तरीके से छोड़ नहीं सकती। लुइस रेडी होकर इंग्लैंड के लिए जा रहा था पर रेचल उसके पास आके वो उसे गले लगा लेता है। जो भी हुआ इसके लिए एक दूसरे को उन्होंने माफ़ कर दिया है। अपने बेटे के गुजर जाने के बाद ये दोनों पेन में थे और इसी वजह से इस तरीके से बिहेव कर रहे थे। जब सही तरीके से एक दूसरे से इन्होंने बात की तब रियलाइज़ किया कि दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।